पार्षदी से पार्लियामेंट तक का सफर कैसा होता है, सामान्य से संसद तक का सफर कैसा होता है, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से, क्योंकि आज एक ऐसे ही अनुभवी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे आपकी। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। और देखिए, इस अनुभवी शख्सियत को खोजते खोजते हम संस्कारधानी जबलपुर आ पहुँचे हैं, और पहुँचे भी तो कहाँ, एक सामान्य से मोहल्ले में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर हमारी खास शख्सियत है कौन। मैं आपको बता दूं, जबलपुर की 3 बार की पार्षद रह चुके हैं, नगर निगम अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब तो राज्यसभा सांसद भी है। मैं बात कर रही हूँ सुमित्रा वाल्मीकि की। और सबसे पहले तो ये देखिए, अच्छा ये जो यहाँ पर महिला मंडल आपको नज़र आ रहा है, क्या आप जान पाएंगे कि इनके बीच में से एक राज्यसभा सांसद भी है, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ संसद में बोलती है, सवाल करती है। आप लोग अपनी पड़ोसन से बातें कर रहे हैं, बड़ी दूर से भोपाल से हम भी आए हैं इनसे बात करने। पड़ोसन है, आज की नहीं, वो तो बहुत पहले की है। इजाजत दे तो चुरा लें थोड़ा सा आपकी पड़ोसन को। यही तो सादगी है, मोहल्ले वाली है, मोहल्ले की पूरी मोहल्ले वाली है। सांसद हो गई है तो अच्छी बात है, तो परिवार ही। अच्छा ये घर देखिए आप, बेहद सामान्य सा घर है, कोई भी नहीं कहेगा इसको देखकर कि ये एक राज्यसभा सांसद का घर है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं सुमित्रा जी। अच्छा सुमित्रा जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि राज्यसभा सांसद कहने को तो दो शब्द हैं केवल, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी इसके साथ आती है, कैसे इस चुनौती को संभाला है आपने? देखिए, राज्यसभा सांसद बड़ा पद है, और बड़े पद के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं। पहले हम मोहल्ले के बारे में सोचते थे, फिर शहर के बारे में सोचते हैं, अब राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। तो अब राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं तो जनमानस हमसे क्या अपेक्षा रखता है कि भविष्य में क्या हमारी सरकार योजनाएं दे रही हैं, वो योजनाएं उन तक पहुंचे। अच्छा मैं देख रही हूँ बहुत सामान्य सा घर है आपका, कोई कह नहीं सकता कि इस घर में एक राज्यसभा सांसद रहती है। कभी मन नहीं किया कि बड़ा बंगला खरीद लूं या ऐसी कुछ इच्छा होती है हर इंसान की? देखिए, मैं इसके पहले भी 3 बार नगर निगम की पार्षद रही हूँ। बिल्कुल, तब मैंने लोगों को हाव भाव बदलते देखे हैं। जब मैं नगर निगम अध्यक्ष भी रही हूँ तो सरकारी गाड़ी मुझे मिली हुई थी जी। तो जब सरकारी गाड़ी मुझे मिली हुई थी तो क्या होता था कि सरकारी गाड़ी में पीए बैठता था, वो दरवाज़ा खोलना, दरवाजा बंद करना, फिर किन से मिलने देना है, किन से नहीं मिलने देना है जी। तो मुझे गिल्टी फील होती थी। मैं बोली कि नहीं, जब मैं सामान्य थी तो मैं बड़े लीडर को देख कर सोचती थी कि मुझे कुछ कहना है तो कैसे उन तक जाऊँ, तो मुझे भी रोकते थे लोग। वो चीज़ लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। 30 से ज़्यादा साल का लंबा राजनीतिक सफ़र आप तय कर चुके हैं, कैसे आना हुआ राजनीति के अंदर? मुझे महिलाओं के बीच में रहने का बड़ा वो रहा है जी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई स्कूल खोला, और सिलाई स्कूल में बेटियाँ भी आती थी, बहुएँ भी आती थी, पार्टी की नज़र गई तो उनके उस समय महिलाएँ किसी से मिलती जुलती थी, निकलती भी नहीं थी राजनीति में। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी में आओ, तो मैं 93 में भारतीय जनता पार्टी में आई। और फिर उसके बाद में हमारे इधर से विधानसभा लड़े माननीय ईश्वरदास रोहाणी जी जी। तो फिर उन्होंने देखा कि ये महिलाएं महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा जी। और उनके साथ में जुड़ने से क्या हुआ कि फिर मुझे काम करने में भी और सहूलियतें हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 99 में पहली बार चुनाव लड़ाया, तो अच्छी मतों से मैं जीती, क्योंकि मेरा नेटवर्क वार्ड में बहुत अच्छा था। बिल्कुल, उस साल तो आप जीते ही, उसके अगले साल भी जीते। हाँ, उस साल फिर पुरुष सीट हो गई। हाँ? तो पुरुष सीट से लड़ा दिया मुझे। अच्छा? तो 13 पुरुष खड़े हुए थे, सब हार गए थे, मैं सिंगल महिला थे। इसे कहते हैं नारी शक्ति। तो मैं जीत गई थी। अच्छा, आप राजनीति में आज तो एक पढ़ी लिखी महिला नेता के तौर पर जानी जाती है, लेकिन जब आप शुरुआती दिनों में आई थी तो उतना एजुकेशन नहीं था आपका। मैं चाहूंगी कि ये भी एक मैसेज जाए हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को, कि देखिए भले ही आप पहले पढ़ाई किसी मजबूरी से छोड़ चुकी हूँ, लेकिन आप बाद में पढ़ाई कर सकती है, तो आप उस दौर पर भी अपनी जिंदगी के प्रकाश डालिएगा।
देखिए जब खुद के बच्चे पढ़ रहे हों 10वीं 12वीं और एजुकेशन में वो खुद स्नातक की पढ़ाई कर रहे हों और उस समय पर उनकी मदर की इच्छा हो कि हमको भी स्नातक करना है हाँ। तो थोड़ा लगता था लेकिन बच्चों ने भी बोला कि नहीं आप कर लीजिए और उसके हिसाब से फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका? फेवरेट सब्जेक्ट सोशल रहा मेरा, सोशल में ज़्यादा मैं रही हूँ। तभी तो समाज हाँ। सेवा में इतने आगे निकल गई आप। हाँ और सबसे ज़्यादा मुझे इतिहास पढ़ने में बहुत गौरवान्वित महसूस होती है। क्या मानती है कि महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है? महिलाओं की शिक्षा अमृत के समान है। सुंदर बात है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे अवार्ड्स, मोमेंटो, तस्वीरें इस पूरे चार दीवारी में मेरे को नजर आ रही है। मैं जानना चाहूंगी इसके पीछे की कहानियां भी। सबसे पहले तो शुरुआत करूंगी, वो बहुत ही पुरानी तस्वीर दिख रही है मुझे। हाँ। वो मेरे सास ससुर का फोटो है। अच्छा। जब मेरी सास का गौना हुआ था। अच्छा। अंग्रेजों के यहाँ काम करती थी तो जब गौना होकर लड़की आई तो अंग्रेजों ने बोला कि अरे ये तो बहुत सारा ज्वेलरी पहना हुआ है और अलग दिख रही है, तो उन्होंने ये खींचा था फोटो। वो तस्वीर के पीछे की क्या कहानी है? पार्षद के रूप में बैठी हूँ मैं। हाँ हाँ। तो उपसभापति थी मैं ये 2007 से लेके 2009 तक लास्ट बैठक थी। अच्छा, मैंने सुना है उस टाइम पे जब आप इस किरदार में थी तो आपका लहजा सुमित्रा महाजन जी से बड़ा मिलता था। नहीं, वो तो खैर हमारी आदर्श हैं। अभी मैं मिलने राज्यसभा के बाद गई थी। अच्छा। तब मैंने बोला कि ताई मैंने कभी नहीं सोचा था ये सुमित्रा लोकसभा की और ये सुमित्रा नगर निगम की पार्षद हाँ। बड़े सदन में जाएगी। ये जो आपने राज्यसभा जाने की बात की, कैसा अनुभव रहा था जब पहली बार आपको पता चला? कैसे पता चला कि मुझे राज्यसभा सांसद बना दिया गया है? और पहला थॉट जो है उस टाइम पे क्या आया था? देखिए वो तो ऐसा ना भूतो ना भविष्य थी कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती इस विषय की। हम जब राज्यसभा का माननीय वीडी शर्मा जी का फोन आया संगठन की तरफ से जी कि सुमित्रा जी जबलपुर से आपको भोपाल आना है हाँ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि नड्डा जी इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत मुझे करना है इधर। अच्छा। तो पता चला कि उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने फोन किया जी कि सुमित्रा जी आप तुरंत आ जाइए। तो फिर मतलब पैर कांपने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बुला रहे हैं मुझे। अपने छोटे भाई को बोला गाड़ी लेकर आ जाओ पैदल, मतलब दौड़ के। वो आया गाड़ी लेकर, तब तक फोन आ गया कि आपके मोबाइल पर टिकट आ गई है, आप टिकट पर आ जाइए। क्या हुआ? तो फिर मैं तुरंत ही एक जोड़ी कपड़े लेकर चली गई। खाने पीने का, खाना बनाने का शौक? खाना बनाने मैं तो गृहिणी हूँ। क्या? मैं तो गृहिणी हूँ, मैं गृहिणी पहली। और जो गृहिणी का जीवन होता है वो पूरे परिवार से जुड़ा होता है, उसमें परिवार की पूरी च्वाइसें ध्यान रखनी पड़ती है, सास को क्या देना, ससुर को क्या देना है। आपको क्या खाना पसंद है? एक महिला पर जिम्मेदारी इतनी हो जाती है, बेटे को ये पसंद है, पति को ये पसंद है, सास को ये, ससुर को ये, लेकिन अक्सर हम महिलाएं भूल जाती हैं कि हमें क्या पसंद है। हम सारे लोगों की पसंद जब बनाते हैं ना हाँ। तो कभी कभी हमारा भी मन करता है कि आज हम बहुत स्पेशल बनाएं और इन लोग को खिलाएं। मेरे परिवार से मिलिए फिर किचन में आपको कुछ खिलाती हूँ हाँ। बना के। ये मेरे फैमिली है जी, पोतरा है ये। अभी इसका एडमिशन करा रही हूँ मैं भोपाल। अच्छा। में हाँ। अच्छा, भोपाल आ रहे हो? क्राइस्ट चर्च में बच्चे पढ़ता है मेरा हाँ। ये 9th में पढ़ रहे हैं हमारे। ये हेली मास्टर है मेरा हाँ। अच्छा। ये मेरा हिमांश मास्टर है। दादी के साथ कैसा रिश्ता है? नोकझोंक करते हो? थोड़ी बहुत। अच्छा, दादी बोलती है कि मोबाइल में मुझे ये चलाना सिखाओ कुछ ऐसा। हाँ, बोलती है हाँ। सीखने का अभी भी है? अभी को सिखा रहा है ये, मेरे को इंग्लिश सिखा रहा है। अच्छा। तो इंग्लिश में अभी जब से बाहर गई हूँ तो इसे बोला इंग्लिश सुना भाई, मैंने वहाँ भाषण दिया था इंग्लिश में। अच्छा हाँ। इससे सीख के गए थे? इससे सीख रही हूँ मैं पूरा। ये आप बहुत तारीफ कर रही थी आपकी, आप कैसी सास मानती है इनको? माता जी एकदम। इसको घूंघट नहीं ढलाए। मेरी दो बेटियां हैं, दो बेटियों में ये भी मेरी बेटी के जैसे हैं। अच्छा, आपने घूंघट की बात की हाँ। क्या आपका कभी ऐसा अनुभव रहा घूंघट प्रथा वाला? मैं तो इस दौर से ही गुजरी हूँ ना हाँ। क्योंकि ग्रामीण परिवेश था मेरा सास ससुर का। बुंदेलखंड में जेठ के सामने बहू बात नहीं करती है और आवाज भी नहीं आना चाहिए यदि बरांडे में जेठ खड़ा हो तो। मेरे जेठ बोले हमारे खानदान में एक ही बहू पढ़ी लिखी आई है तो क्यों ना हम इसको आगे पढ़ाएं।
तो मेरे मिस्टर से बोले कि गुरुचरण इसकी फोटो खिंचा के लिया, मेरे को इसको 11वीं पास कराना है। तो मैं मेरे मिस्टर जब लेकर गए तो बोले कि दादा देखेंगे फोटो, तो बड़ा सा मुँह कर ले तू, ढाक ले। तो मैंने ढाक लिया और वो मुँह ढकी हुई आई तो पूरा मेरे जेठ बोले कि मेरे मिस्टर को डांटे कि अरे उसका मुँह खुला के ला, बोर्ड परीक्षा दिला रहा। तो बोले कि दादा आपके सामने कैसे मुँह खुला के फोटो लाऊं। तो उन्होंने बोला अरे बेवकूफ तेरे को थोड़ी देखनी ना, मेरे को नहीं देखना, बोर्ड वालों को फोटो देखना है। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं परिवार की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि मैं अपने लिए कुछ ना ही करूं तो बेहतर है, कभी भी ऐसी वाली फीलिंग आई आपको? वो कभी कभी अवसर पे दबी है लेकिन अवसर के साथ फिर बाहर आई है, वो आई है। फिल्मों का शौक हो रखती है थोड़ा अपने? फिल्मों का पहले शौक था, मैंने बचपन में अपने पिताजी के साथ आदमी फिल्म देखी थी। अच्छा, तो वो आज भी मेरे दिमाग में कौंध के है। मेरी पसंदीदा तो लता मंगेशकर गायक है, बहुत अच्छी। लता मंगेशकर का कोई गाना याद आ रहा तो गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। आप बोल रहे हैं तो मैं दिमाग में दबाव बना रही हूँ कि कौन सा ऐसा गाना है जो मुझे अच्छा लगता हो। बिल्कुल। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात है यहाँ वो कहीं नहीं। लता मंगेशकर का एक और गाना है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और क्योंकि आप तो राज्यसभा में अब आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, महिलाओं की आवाज़ बनी हुई है, मध्य प्रदेश की भी आवाज़ बनी हुई है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी लगती है या अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो ढलती जा रही है उस किरदार में? देखिए क्या है, जो हर समय एक अपना असर दिखा के बदलता है, जैसे मौसम मौसम के चार असर होते हैं, वैसे ही व्यक्ति के जीवन के भी चार असर होते हैं, तो वैसे हमारे जीवन का भी बदलाव होता है। और चलिए ये तो खा लिया है हमने, पेट पूजा हो गई है और अब खाना खाने के बाद काम पर जाने का वक्त है, तो जहाँ भी आप जा रही हैं काम पर मुझे भी साथ ले चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। सुमित्रा जी कहाँ जा रहे हैं? अब आप मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे सर सास की आवाज पर काम करने चल रहे हैं, वहाँ से तो काम मेरा शुरू हुए होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आखिर राज्यसभा सांसद काम कैसे करती है। अच्छा, जबलपुर की सड़कों पे उतर आए हैं, यहाँ से आप 3 बार पार्षद रही हैं। एक पार्षद जब पार्लियामेंट तक पहुँचता है तो फिर उनके क्षेत्र के लोगों को भी कुछ उम्मीदें होती हैं और फिर सरकार को भी उम्मीदें होती है कि आप बेहतरीन तरीके से जानती हैं क्योंकि अपने क्षेत्र को, तो उनके लिए विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगी, है ना? ये जो बस्ती थी, इस बस्ती के लिए शादी के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं था। अच्छा। लोग बरसात में गीले हो जाते थे, अब ये सामुदायिक भवन आप देखेंगे ये मेरा प्रथम कार्यकाल का बना हुआ है और आए दिन यहाँ शादी ब्याह होते हैं मुफ्त में। बढ़िया। हाँ, ये भवन जो बनवाया था मैंने, ये पूरा शादी विवाह इसमें ऊपर सोलर लाइट लगवा दी ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये लक्ष्मी नारायण जहाँ पर मैंने बिल्डिंग बनवाई, ये बाउंड्री भी मेरी करवाई, ये पूरे बच्चों के लिए सेफ पॉइंट बनाया मैंने कि बच्चे अच्छा। बाहर ना भागे। क्या मानती है जबलपुर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको संसद तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है, खास मुद्दे हैं? देखिए अभी तो जबलपुर के लिए बहुत सी, जैसे अभी आप देख रहे हैं जबलपुर में इंडस्ट्री अभी लगेगी तो यहाँ के नए युवा पलायन नहीं करेंगे, इंडस्ट्री लाई जाए, इन्वेस्टमेंट लाई जाए, रोजगार लाया जाए, खासकर युवाओं के लिए, ये एक अहम मुद्दा मानती है। मुझे ये बताइए घूमने फिरने का शौक है आपको? घूमने फिरने का शौक तो रहा है, पहले से ही रहा है मुझे। अब मैं आपको बताऊँ, 2006 में पार्षद रहते हुए मैं अमरनाथ यात्रा अपने पति को लेकर करके आ गई। हाँ, और उसके बाद में अभी आपने देखा ही होगा फोटोज में, मैं मिस्टर को लेकर बॉम्बे चली गई, फिर गंगा सागर भी चली गई। पन्ना मेरे बहुत ही आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र है। पन्ना में जुगल किशोर है, तो हमारे यहाँ बोला जाता है बुंदेलखंडी भाषा में, पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया में हीरा जड़े। पन्ना तो मैं नहीं गई हूँ लेकिन मुझे गाना याद आता है पन्ना की तमन्ना से। मुझे याद आया कि मैं आपसे ये भी पूछूँ कि बचपन में क्या तमन्ना थी, क्या बनना था बड़े होकर? देखो बचपन में तो ऐसा भोला था कि कुछ मन में आई ही नहीं, कभी खेल कूद में पूरा जीवन बीत गया क्योंकि मैं अपने पिताजी की बहुत उम्र के बाद पैदा हुई थी,
तो मुझे लड़कों जैसा रखा। ये मुझे समय के साथ परिस्थितियाँ यहाँ ले आई। आपका जबलपुर में फेवरेट स्पॉट है कुछ? सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मुझे नर्मदा का किनारा है। अच्छा, तो वो आपको बहुत पसंद है। हाँ। तो चलिए ठीक है, आप पहुँच गए, अंदर चलते हैं, देखते हैं आपका काम काज। और देखिए आज तो प्रॉपर डे आउट हो गया सुमित्रा जी के साथ, और अब हम इनकी कर्मस्थलिया बैठे, हलवा खा लिया, पेट पूजा कर ली, और अब जानेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। सुमित्रा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने संगठन का विश्वास इस कदर एक महिला होते हुए कैसे जीता, क्योंकि आप पार्षद रहीं, नगर निगम अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बाद सीधा संसद के द्वार खुल गए आपके लिए, पार्षद से पार्लियामेंट तक। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति के महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर पब्लिक के काम करना चाहिए। एक साधारण महिला है जिसका कोई ऊपर एमपी या एमएलए नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर ऊपर ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का आकलन करती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जब शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने हमारे प्रदेश सरकार से कहा कि आप राज्यसभा में नाम दीजिए, तो जैसी मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा पूछा गया था कि कोई एससी वर्ग का लाइए, तो फिर एससी वर्ग का कोई दूसरा नाम गया था, मोदी जी ने कहा ये मध्य प्रदेश में ये महिला काम कर रही है, इसको लाइए। अच्छा, सीधा? हाँ, मोदी जी ने कहा? सीधे मोदी जी, क्योंकि इतना बड़ा पद अब पार्टी ने आपको दिया है, तो अब इसके आगे क्या? क्योंकि देखिए आपने अपने परिवार से तो किसी को राजनीति में लाया नहीं, तो अब आगे क्या सोच रहा है, ये लेगेसी कैसे कंटिन्यू करेंगे? नहीं देखिए, जो निर्णय लेना है वो मेरे शीर्ष नेतृत्व को लेना है मेरे बारे में। बस मुझे भारतीय जनता पार्टी दायित्व के साथ साथ मुझे काम के लिए चुनती रहे। अच्छा, हाल ही में विदेश दौरा भी रहा आपको, उसके कुछ अनुभव? शीर्ष नेतृत्व ने जो भूतों न भविष्य थे, हमारी सात पीढ़ी कभी विदेश नहीं गई होगी। हाँ, है ना? बिल्कुल। सात पीढ़ी आगे भी जाएगी कि नहीं जाएगी ये मैं नहीं कह सकती होगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मुझे जब पहली बार साउथ अफ्रीका जाने का अवसर मिला तो मुझे बोलने का दिया गया था, तब मैंने कहा था कि मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, बोले आप बोल लोगे, तो फिर मुझे इंग्लिश में 2 मिनट की ट्रेनिंग दी गई बोलने की, तो मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन किया महिलाओं के। नर्वसनेस हुई थी पहली बार? कॉन्फिडेंस आ जाता है, आ जाता अपने आप। और महिलाओं को चुनौतियाँ देखे तो देखो, जिम्मेदारी देखे तो देखो, कॉन्फिडेंस के साथ उसे पूरा करेगी। अच्छा, आप अपना काम कर लीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद आपकी कर्मस्थली पर तो हम पहुंच गए हैं, हमने हमारे दर्शकों को दिखा भी दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपने शहर में क्या कार्य किए हैं उस पर भी खुलकर बात करेंगे, ठीक है? जी जी। जब मैं पार्षद बनी ना, अच्छा, तो फिर मैंने जो हमारे कमांडेंट थे वो, उनको मैंने बोला कि आप कुछ ऐसा रखिए कि जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पर घूमने के लिए, थोड़ा यहाँ बैठने के लिए, तो फिर उन्होंने स्वीकृति दी, तो फिर ये हमने घाट ये पूरा बनवाया है। सरकार भी बहुत सारी नीतियाँ लाती हैं, लेकिन फिर उस चीज़ को आम जनता तक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने तालाब बनवा दिया, लेकिन ये चीज़ कि आपने तालाब बनवा दिया, देखिए हमने आपको ये सुविधा दे दी, ये मैसेज जब आप पहुंचाना पड़ता है तो वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है। उस तरीके की चुनौती आपने पार्षद रहते हुए भी महसूस की होगी, कैसे ओवरकम किया? नहीं देखिए, क्या पब्लिक को मूलभूत सुविधाएँ चाहिए है, और हमारी ड्यूटी बनती है, हम जिस पोस्ट पर है जी, उस पोस्ट पर मूलभूत सुविधाएँ लोगों को मिलना चाहिए, और मिलने के साथ साथ क्या है कि हमसे अपेक्षा रखते हैं ना लोग। मान के चलिए कि हमारे एशिया बटालियन के पहले मकान जर्जर थे और एक दो बार झाड़ गिर गए उनके ऊपर, तो मेरा एरिया था, मेरे वोटर हैं ये एशिया बटालियन के, तो मैंने फिर मतलब एसपी को और मध्य प्रदेश सरकार को बार बार अप्रोच किया। आपने अपना पहला वोट कब डाला था, और जब डाला था क्या आप तब समझते थे कि भारत में लोकतंत्र का क्या मतलब है? देखिए उस समय तो नहीं समझ में आता था कितनी उम्र में डाला था। वो उम्र मेरी 20-22 साल की थी जब मैंने पहली बार वोट डाला था। अच्छा। पहली बार जो वोट था वो मेरा जी।
तो ऐसा सोच कर डाला था कि जो वर्तमान में सरकार है ना उसको वोट डालेंगे। अच्छा, कांग्रेस को डाला था? हाँ, उस समय पे पता ही नहीं होता था ना कि किसको वोट डालना है। अच्छा, किसको वोट डालना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है इन्होंने। इन्होंने अपना पहला वोट कांग्रेस को डाला था। तो उस समय पता ही नहीं होता था कि जो सरकार बन रही है वो कौन बीजेपी की है कि कांग्रेस की है। तो फिर उस समय जब मैंने वोट डाला और फिर सब सेकेंड में सरकार आई पटवा सरकार, तो मैं बीजेपी को वोट किया। अच्छा, आज आप अपनी पार्टी की भी बात कर रहे हैं और वैसे भी हम अगर बात करें सरकारों की, तो सरकार चाहती है कि अब महिला नेतृत्व आगे आए, बढ़े, महिलाएं जिम्मेदारियां संभालें और इस तरीके की चीज़ें आजकल बहुत सुनने को मिलती है। लेकिन एक किस्सा आप ही के साथ हुआ, क्योंकि देखिए आप SC कैटेगरी से आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक किस्सा मैंने ऐसे ही पढ़ा था कि आप शायद किसी योग के कार्यक्रम में पहुंची थी, वहां पर आपकी सीट जो थी वो पीछे लगाई गई थी। हालांकि बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको आगे बुला लिया था, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करी, क्या मानती हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो लक्ष्य था जी कि SC वर्ग जो आधा हिंदुस्तान है जी और आधी आबादी महिला है, तो पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार तो था नहीं। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट पुरुष को तो एक महिला को वोट देने का अधिकार दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा जी कि महिलाओं को सरकार अभी बहुत आगे बढ़ा रही है, बिल्कुल, तो अंजलि मैं ये बताऊँ आपको, एक पुरुष बिना महिला के, यानी घर में गृहिणी के, उसकी पत्नी के या उसकी माँ के बगैर एक लोटा खरीद के नहीं ला सकता, उससे 10 बार पूछेगा। तो फिर राजनीति में उनको क्यों नहीं होना चाहिए बराबर का? बिल्कुल, जो महिलाएं निर्णय लेती है ना वो भावनात्मक तो होता ही है, लेकिन उस कहीं ज़्यादा उनका मैनेजमेंट भी होता है। बिल्कुल, वो तो आप एक लॉ मेकर के किरदार में हैं तब आप ये सारी चीज़ें सोच पाती हैं, लेकिन एक आम महिला जो है, आम गृहिणी जो है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पास इतना पावर हो सकता है। महिला सशक्तिकरण सही मायनों में क्या है सुमित्रा बाल्मीकि के हिसाब से? महिला यदि स्वयं समझ जाए कि सरकार की जो सुविधाएं हैं जी वो हम तक आनी चाहिए, तो भले वो पावरफुल नहीं होने के बावजूद भी वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। महिलाओं को समझना होगा कि उनके पास अधिकार है, उनको दौड़ तो लगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी अपना वक्त हमें देने के लिए, विस्तार न्यूज़ को देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि जी, जिनको जाना होगा आपने, जिनको समझा होगा आपने, जो राज्यसभा सांसद होते हुए भी सादा जीवन, उच्च विचार वाली पहचान भी रखती हैं। कोशिश की एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने की, मुलाकात करवाने की आपकी, और आगे भी इस तरीके की शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इस बार के लिए नारी शक्ति में बस इतना ही। नमस्कार।